इटावा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बड़ी बहन ने ही छोटी बहन का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। मामला सिविल लाइन इलाके के सराय एशर गांव का है, जहां गांव में ही बड़ी बहन का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका छोटी बहन विरोध कर रही थी, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। और एक रात जब छोटी बहन ने उसका विरोध किया तो उसे ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने अपनी ही छोटी बहन का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। और मामले को छुपाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर शव को बोरी में भरकर गांव के ही तालाब में फेंक दिया। हेल्थ इंचार्ज से मैंने कही कि मुझे सगे मेरी बेटी कहीं मारी न जाए, साहब बोले ऐसी आप बिल्कुल न सोचो, वो लड़की किसी के साथ हो सकती है, चली गई है, और जो ले जाएगा वो मारेगा नहीं, मैंने मेरी बेटी बहुत साफ सुथरी थी, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, आपकी बड़ी बेटी को हिरासत में क्यों लिया गया? हिरासत में जा से लोगो हमें कजू डाउट भाई है, कल एक दुकानदार है हमारे बगल में तुलसी, बाकी सामने दोनों झंझट में आपसी मोहरो तो तुत्ती वो चलो को रिश्तेदारी माँ ने बताई चाचा जी दोनों आपसी लड़ रही थी तो मेरी सखी सोई जही पे गई, हमने जब तू लड़ रही थी तो फिर जब रूट के गई कहू बने कुआ खंदा जहाँ मरी जूझी तो तू संगे जाती बके कहू से कहती। उसके फादर एक स्कूल में ड्राइवरी करते हैं, स्कूल बसों को चलाते हैं। कल शाम को यहाँ आए थे थाने पर, उन्होंने कहा सर हमारी लड़की मिसिंग है, और मैं सुबह आके फिर रिपोर्ट लिखाऊंगा। सुबह फिर गाँव में जब बातचीत की गई तो उसकी जो मृतिका है इसकी बड़ी बहन ने बताया कि उसकी डेड बॉडी जो गांव से उसके घर से लगभग 20 मीटर दूर है वहीं इसी छोटे से तालाब में पड़ी हुई थी, निकाला गया तो वास्तविक रूप से वहां मिली है। यद्यपि मृतिका का बाप अपनी बड़ी लड़की और गांव के एक लड़के पर आरोप लगा रहे हैं कि लोगों ने मर्डर किया है, इन दोनों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन ये घटना वाकई में दिल दहला देने वाली है। एक बहन इतनी क्रूर कैसे हो सकती है कि वो अपनी ही छोटी बहन की हत्या कर दे। पंजाब केसरी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।